कैसे हैं सब जी? खातिन हज़रत, पंजाब का कल्चर फेस्टिविटीज से भरपूर है और कुश्ती इसका एक हेल्दी और इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा रहा है। पंजाब ने बहुत बड़े बड़े पहलवानों को पैदा किया है जिन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को यकचित किया है। इन पहलवानों की बड़ी लिस्ट है, गामा पहलवान, जारा पहलवान, इमाम बख्श पहलवान, राजू रॉकेट पहलवान, गूंगा पहलवान, रहीम सुल्तानी वाला, ते आरिफ पट्टा वाला। बट जी, यस, आप भी तो बट हैं। प्रिंसिपली आपको भी पहलवान होना चाहिए। ओ, केबी, आप भी तो बट हैं, असूलन आपको भी पहलवान होना चाहिए था। बट जी, मैं अभी भी अपने काम की पहलवान हूँ। रैंप पे वॉक करना पहलवानी से कम थोड़ी होता है। नहीं, पहलवानी मैं भी करता था बचपन में, लेकिन मुझे कड़ल पड़ जाते थे। टेक योर विटामिंस। अरे रब, लाल किले के पाई बाग में जब हम कसरत किया करते थे तो बालकोनी में जोधा बाई खड़े होकर बड़ी अदा से कहती थी, पहलवान चाहूं तुझे सुबह शाम। और हम मुस्कुरा कर किंग खान की तरह बाजू फैला कर कहा करते थे, ऐसा पहलवान ना होता कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। मैनू दसो कि तुसी पहलवानी करते सी या टैक्सवाली जाके म्यूजिक क्लासा लेंदे सी? हमारी पहलवानी की तमस्कर मत उड़ाए जाए और आज का सिपाहनामा पढ़कर सुनाया जाए। आज का सुपर ओवर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। आज बाउंसर भी बच जाएंगे और तो भी पटके भी। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रेसलिंग के पेंटागन गुजरावाला से रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट, और अपनी खूबसूरती से चित करने आ रही हैं वन ऑफ द टॉप मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान। प्लीज वेलकम इकरा वसीम। बट साहब, आज सुपर ओवर में रिवर्स स्वीप लाएंगे या कड़ंगी? कड़ंगी तो हमारा फेवरेट काम है तो वही लगाना पड़ेगा। ओए, अच्छा कड़ंगी से बाहर भी आना होता है ना? लेकिन मॉडलिंग में कड़ंगी तो नहीं होती, वहां तो डिजाइनर्स होते हैं, लाइट्स होती है, कैमरा होता है, मेकअप होता है, HSY होता है, ऐसे ही है, सिर्फ ग्लैमर होता है। सिर्फ ग्लैमर होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कितना कड़ंगी नहीं होती है जी? ये कड़ंगी नहीं होती, कड़ंगी नहीं होती। लेकिन आप लोगों के लिए जब रैंप वॉक होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को बड़ा फिट रहना पड़ता है। ऐसे ही है, फिटनेस का ख्याल तो करना पड़ता ना। जाहिर है, ऑब्वियसली आप अगर मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको अपनी फिजिक को ही मेंटेन करना पड़ता है ना। जैसे मैंने मेंटेन की हुई। मैं गामा पहलवान की डाइट पढ़ रहा था भट्ट साहब, और डाइट तो नहीं, और डाइट नाल फाइट होंदी पई सी। ए बादाम, देसी कुकड़, अद्धा बकरा, ए चोपड़ियाँ रोटियाँ, ए पेड़े वाली लस्सी, मतलब है की? देखो जी, वो ग्रेट गामा पहलवान जी सन, तो उस टाइम जी पहलवानी सी वो भी जड़ा ना वेट कैटागरीज नहीं सन। अच्छा। लेकिन अब जितनी भी रेसलिंग हो रही है तमाम वेट कैटागरीज के साथ हो रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा अब डाइट जो है ना वो चेंज हो गई हुई है। अब आप किस वेट कैटेगरी में आते हैं? मैं जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले खेलता हूँ मैं 86 और 90 केजी में खेलता हूँ। जो हैवी वेट में आता है? हाँ जी, तकरीबन मिडल वेट और हैवी वेट के दरमियान में हमारा वेट आता है, तो उसी में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले हैं वो तमाम वेट के साथ खेलते हैं, तो जब अगर हम ओवर वेट होंगे तो फिर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, तो आप टिडी वेट में आती हैं? नहीं, मैं नॉर्मल वेट में आती हूँ, लेकिन खुराक ऐसी ऑब्वियसली मेरी नहीं है जैसी पहलवानों की, जैसी पहलवानों की होती है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ऑयल कंट्रोल करना है, ये वो फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन वो एक ऑब्वियसली फील का फ़र्क है ना। नहीं, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करूँ, जिमें लाहौर मरले कम हो रहे हैं उसी तरह पहलवान के साइज़ भी कम हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आजकल तो ब्रायलर मुर्गी को हाथ लगाना भी अजाब हो गया, एडी महंगी हो गई है, तो पहलवान अनबांगे चूचे खाना अफोर्ड कर सकते हैं? देखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए पहलवानी जो लोग करते थे उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इकरा, आप बहुत टॉप मॉडल हैं और मैंने सुना है आपके पोजेस बड़े आला होते हैं, क्योंकि मैं भी ज़रा मॉडलिंग सीखना चाह रहा हूँ, केबी तो मुझे मुंह नहीं लगाती। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो हमारे पास भी खावर प्याज, मेरे मतलब खावर बैठे हैं, वो हमें गाइड करेंगे। आप हमें बताएं कि असल मॉडल पोज क्या होता है। आइए जी। आइए जी।
तो मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा फैशन हाई फैशन पोज क्या होगा? नहीं, इट डिपेंड्स आपका आउटफिट क्या है. ओके, अगर आपने लॉन कैरी किया, आपने वेस्टर्न कैरी किया है, सो आप लेग्स ओपन करके यूं कर सकते हैं. एक मिनट, कैमरे में गधा आ रहा है. सॉरी. वाह वाह, कैसे आ रहा है? गधे ने तो कैमरा उठाया है. अच्छा जी बताइए. ओके, लाइक दिस. अच्छा, लेकिन आप नहीं कर सकते ना, आप मोटा. नहीं, आप नहीं मोटे तो नहीं है, जेंडर का प्रॉब्लम है ना. अच्छा. कैसे कर सकते हैं? हों दसो. अच्छा, नहीं मुझे बताएं कि पावर स्टांस क्या होता है, एक फीमेल मॉडल का पावर स्टांस क्या होगा? अच्छा, लाइक दिस. ठीक है, और अगला, अगर मैंने क्लोज अप करना, मेरे छोड़ा, राइट? लाइक यू डिफरेंट है. आप ये मॉडलिंग वगैरह का काम छोड़े, हम कॉमनवेल्थ पे जा रहे हैं, एक वेट काम में आपको वहाँ पर लेके जाते हैं, मुकाबले खिलाते हैं, पहलवानी वाला काम करें. आए तो फिर एक दो लेसन जरा हो जाए. आए जरा. अच्छा, पहले मुझे बताएं क्या वार्म अप क्या होता है? वार्म अप को छोड़ें, हम डायरेक्ट कुश्ती करते हैं. एक मिनट बट सर. ओहो, मैंने कह रहा पाएगी था. आए जरा. बादशाह सलामत. ये कमान बादशाह सलामत. हाँ जी बादशाह सलामत, दसो जी. आपके लिए सबसे अच्छा काम है कि आपने कुश्ती से पहले ही हार जाना. मैं हार गया. नहीं नहीं सर, बताएं. बादशाह सलामत, मैं आपको दाव लगाने लगूं, आप गिर तो नहीं जाएंगे? नहीं, मैं तो नजरों से गिर चुका हूं. पर फिर भी आप दाव पे जरा ध्यान से लगाइए. जी जी, आपने ये बाजू पकड़ना है, इसको खींचना है और हो गया. वाह जी, वाह जी जी. सिलेंडर. अच्छा, ये जो भी आपने बादशाह सलामत को दाव लगाया है, ये एकदम ही चित हो गए. ये कौन सा दाव था? ये मैंने इनको कड़ंगी डाली है सामने से, बाजू और टांग की मदद से, जिसकी वजह से उनका बैलेंस आउट हुआ और वो गिर गए हैं. अच्छा, और ये आपका ट्रेडमार्क दाव है? देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो इसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ. फिर मैं कलाजंग का दाव होता है जिसमें उठा के आपने फेंकना होता है, मतलब टांग की जगह पे आपने बाजू को पकड़ते हुए अपने कंधों पे उठाना है और फिर गिराना है. तो मैंने कहा अगर बादशाह सलामत को लगेगा स्टेज टूटेगा तो नुकसान बहुत हो जाएगा. इकरा, मुझे बताएं कि बादशाह सलामत मॉडल बन सकते हैं? इनका तो मॉडल कब का बन चुका है, म्यूजियम में. ओए अपना कालू पुत्र डगा लाए. दंड के नग दंड तात के दंड के दंड के नग दंड तात के दा जन तड़क दंड दंड तड़क दंड जन तड़क दंड दंड तड़ा दंड के नग दंड तात के नग दंड के नग दंड तात के दा दंड के नग दंड तात के नग दंड दंड के नग दंड तात के दा दम पाग दम पाग दम पा आ दंड दंड ता दंड 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 ता दंड 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 ता दंड दंड ता पड़लो ता दंड ता दंड दंड ता दंड السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحمد للبتب للبروغرام للجارية وللقل للبهلوانة وللسحية للمهمانة وللخبصورتية للمودلة وللسحية للعدمية للبهلوانة وللبتة وللعربية وللقل المحلل تبديلة وللبهلوانية وللمودلة وللعربية وللبهلوانة وللقل التبديلية وللنعم وللسحية للإنسانة وللحليم الديمة. ਬਾਟਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਨਾਮ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸੁਪਰ ਓਵਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਬੋਲੇ ਨਾ ਮਲਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ولا ذليل للانسان ولا الخبيث ولا النامل للسيل العقل ولا النسيل الدماغ للاستمالة ولا النامل للمعلومات ولا الزلالة للاخواريا. ما سمجھاؤ نا تسی تے اکو دم اک ساج چلے جاندے ہو. اصل بٹ جی ساڈے پہلوان ہمیشہ اے گلا کردے آ کہ حکومت ساڈی سرپرستی نہیں کردی. میں اج رولا ہی مکون آیا. اچھا جی، وہ کیسے؟ آ ویکھو، میرے انویسٹر شیخ حنان بن نمان بن زبیان بن عمران بن کپتان چیمپئن شپ دا آغاز کراونا چاہندے آ، او وی دبئی دے ساحلاں تے.
दुबई के साहिलों पे? वाला दुबई वाला साहिल रेसलिंग वाला स्टार्ट है, वाला वाकई वाला अरब है, वाला नाम वाला मामूली वाला कुश्ती वाला कुल वाला दुनिया वाला वाकई वाला मशहूर वाला रेसलिंग है, वाला नाम रेसलिंग वाला मेल है, वाला रेसलिंग वाला इस्तेमाल वाला वाला आमद वाला फीमेल है। फिटे मुंह तेरा, उदो लेडीज कुश्ती कराउन लगा जब मैं बुढ़ा हो गया। मैं क्या जेड़ा बुर्जुन अरब है ना, टेनिस कोर्ट ओथे ही खड़ा बनाउन लगे हां। वाला मताबक लला खड़ा वाला अरब लला टेनिस लला कोर्ट वाला तब्दील लला खड़ा वाला मिट्टी वाला आमद वाला अरब लला मकामात वाला नाम लला बट वाला खिदमत लला कुल लला अरब लला मरात वाला खुराक लल मुहैया वाला नाम लला ममूली लला खुराक लला पाकिस्तानी वाला सैल लला खुराक अरब लला लला खमसा वाला सुकी मचिया वाला शुआरा वाला वाला तड़का लला खालस लला पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल भी भाई, आपको कुछ पता है वो टेनिस कोर्ट जो है वो 200 मीटर की बुलंदी पे है। बट जी डू यू नो वहाँ रॉजर फेडरर और आंद्रे अगासी जैसे टॉप प्लेयर्स भी खेल चुके हैं। अच्छा, वो यही चाहने हैं साड़ी उस चैंपियनशिप दी जड़ी जजमेंट है ना, जज बनना। हाँ। वो बनन इनाम बट साहब, हाय हाय जज होने राती 12 बजे लोग इन्हों नू कहन आओ जी साड़ी गल सुनो ते मैं कमा आने। हम चाहते हैं हमारी तुर्बत पर भी अखाड़े की मिट्टी डाली जाए। शायर ने खूब कहा है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। तेन पता खाड़े च घुलना से गया, 3 मिनट बाद खाड़ा गैप सी, सारी मिट्टी खा गया। इन तीनों मिरासियों को जिंदान में डाल दिया जाए। जिंदान तेरी टोटल सल्तनत है, तेरी कली कुर्सी है, एदे ते सौना, एदे ते तू नाना, एदे ते तू रोटी पकाना, एदे ते तू बच्चे खड़ाना, एदे तू रक्षा बना के ते काट उड़ जाना। इनाम भट, आप 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स में भी थे जहाँ पे आपने गोल्ड मेडल जीता, वहाँ फिल्म दंगल वाली असली गीता भी थी, उनके साथ आपका कोई इंटरेक्शन हुआ? जी बिल्कुल, वहाँ पर मुकाबला हो रहा था और पाकिस्तान की यहाँ से टीम गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और उनकी सिलेक्शन हुई थी इंडिया की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी वहाँ पर फ़ाइट्स हुई, मैंने 4 फाइटें विन की और पाकिस्तान का मैंने परचम बुलंद किया, इंडियन खिलाड़ी को फाइनल में हराया। तो जो गीता कुमारी फोगाट हैं वो भी इंडिया की तरफ से खेली थी और पहले मैंने जब गोल्ड मेडल जीता तो उसके बाद उनका फाइनल का मुकाबला था और फिर उन्होंने वो गोल्ड मेडल जीत कर इंडिया का परचम बुलंद किया और मैंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। गीता और बबीता पे तो फिल्म बन गई लेकिन तुहाड़े तो कोई फिल्म नहीं बनी, हाल ही नहीं बनिया? देखें जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद जो अगली कॉमनवेल्थ गेम्स थी 2018 में उसमें गोल्ड मेडल जीता, फिर उसके बाद 5 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम अच्छा करते जाएंगे तो किसी ना किसी वक्त हमारी स्टोरी पर भी फिल्म बनेगी। नहीं नहीं बननी चाहिए और आपको मेरा ख्याल हुमायूं सही तो कमाल ही कमाल आपको, बल्कि उस फिल्म का नाम भी होना चाहिए। क्या फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? अखाड़ा नहीं जाऊँगा। इकरा, आपने तो अपने करियर में यहाँ तक के रोड शोज भी किए हुए हैं और आपका तो डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है क्राउड से, आजकल लोग क्या कह रहे हैं महंगाई के बारे में? लोग तो पहले भी महंगाई से तंग थे, अब भी महंगाई से तंग है। हे काको, बोली है तो पता लग गया गेस्ट है, मैं समझा इनाम बट ने नाल अपनी ट्रॉफी रखी। आप मुझे बताएं कि आपने इस चैंपियनशिप के लिए कितने पट्ठे तैयार किए? बट हूँ जिन्नी उम्र हो गई पुत्र मेरे तो पट्ठे जवाब दे गए। मेरा मतलब है कि मैं इन्ने पट्ठे तैयार किए ने WWE वाले भी सिर फड़ के बह जाएंगे। तो भाई कहाँ है आपके पट्ठे? मैं हुणे हाजिर कर देना। ओ पट्ठे हाजिर हो। तिरकदा 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 धक 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 ता ता दंड गनक दंड ताज के धक धन दंड गनक दंड ताज के ता पट दिल दिल तट दिल दिल तट दिल दिल तट दंड तक तक ने टिक धक धक ने दा दिन आ।
खलीफा जी, ये कौन से पहलवान आपने बुला लिए? लो जी भट जी, जे तुम पूछी लिया तो सुनो, ओ जेड़ा परे खलोता जे, ये मैं नवा इंट्रोड्यूस कराया जॉन सेना दे मुकाबले ते जॉन टैना। बारबेक्यू वाली शॉप से लिया हमने, हमने कहा था सीने का पीस दे दो, उसने ये दे दिया। ये मेरी बॉडी, ये मेरा सीना, नक मेरा फीना, जॉन सीना। देखो सिर्फ कद उस्तादा सीना, ये मैं कराचियों इंपोर्ट कीते ने, सेक्टर पहलवान। सेक्टर पहलवान जी? सेक्टर मतलब अपने इलाके का सेक्टर का बहुत बड़ा पहलवान हूँ। ओ मैं कभी आ रहा ही नहीं हूँ पहलवानी में। अच्छा। जी जी, अभी मेरी कुश्ती होती है ना, मैं सामने वाले पहलवान को पर्ची पे भेज देता हूँ, वो देखते पढ़ते बेचारा हार मान जाता है, और फिर जब हार माने ना तो अब्बा से खत लिखवा के भिजवा देता हूँ। क्या? फिर मेरी हार नहीं होती है खत के बाद, फिर मेरी जीत ही जीत है। ए भी दस ना, खत च लिखा की हुंदा? दस कुछ नहीं, बस जी ये मेरा बेटा है, इसके दोनों गुर्दे फेल हैं, फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं अपना, इनकी तो लाहौर तो क्या कराची में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्लीज घर में आटा नहीं है, हेल्प करें और कुश्ती हार के सवाब दायरे हासिल करें। लो उतो कहन दिया, मेरी कराची क्या लाहौर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इन्हें अपनी अम्मी नु किया सी, कुछ सना बुच्चा नु नहीं सी किया। जब मेरी कुश्ती नहीं होती है ना भट्ट जी, जी जी, तो फिर मैं सीधा अपना एक दरखास्त लिखता हूँ बीमारी का, फिर कप्तान से सिग्नेचर कराता हूँ, तो सीधा लंदन निकल जाता हूँ, एवन फील्ड में रहता हूँ। और अब्बा ने खत में यह भी लिखा था रेफरी से, अगर तुमने हराया तो तुझे डी सीड कर दिया जाएगा। अच्छा पहलवान साहब, जो आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो भी केस है आप पे? तनख्वाह मैं नहीं छोड़ता किसी को। अच्छा। मैं वैसे ही नहीं छोड़ता, तनख्वाह छोड़ दूं, वाह भाई वाह। मैंने ऑफशोर पहलवानी भी की है, दो तिहाई वाली पहलवानी भी की है, वो दो तिहाई वाले ने तो फंसवाया मुझे, निकलवाया। यार क्या लंबी लंबी छोड़े हो, ताड़ा ना सेक्टर पहलवान मियां नवाज शरीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, ना है सेक्टर पहलवान। ओए होए भट्ट जी, असल च है मेरा पट्ठा गल्लां करके सिर्फ माहौल बनाउंदा है। अच्छा। वैसे तो फौत हो चुके आज। अपनी कबर चो सिगड़ लैन आया थे। हाँ जी, मैं क्या वापस नहीं जाता, कहना मेरी कबर मली गई। हाँ जी मैं मर चुका हूँ, मर तो ये शेख भी गया, देखो ना कफना दिया, दफनाना भूल गए। ये पहलवान तो कब का जा चुका है, सदाएं से ना दो शोला। इस पहलवान का नाम क्या? इसका नाम है कोबरा, पैदा होते ही बाप को डस लिया इसने। ओए ओए सेक्टर पहलवान शट अप, हुण ना कुछ कही इहनू, तेरे ते हटके पहलवानी दा केस कर देना मैं। पता नहीं किड्डा वड्डा पहलवान। ओए पुत्तर इहनां नू दस जरा, पहलवान जदों दो हथे आई अक्सरियत नाल जीते ते केड़ा डगा हुंदा इधर? दंद किनक दंद दात कि तक दंद दंद किनक दंद दात कि तक दंद दंद किनक दंद दात कि ता दम पाक दम पाक दम पा आ। ओए मैनू वापस किन्ने तेरे प्यो ने लियाउणा? दंद किनक दंद दात कि तक दंद दंद किनक दंद दात कि तक दंद दम पाक दम पाक दम पा आ। तकलीफ एक घेर नाल अगे पिछे हो जाता। पहलवान कम इसका कन्विंस ज्यादा है। चल मेरे पुत्रा की ना तेरा कोबरे, इन्हां नूं हुण दस, जदों पहलवान बेचारा टह जाए ओहदा दिल टुट जांदा, उस मौके ते जरा सैड डगा ला के बखा। दंदा छका छका दंदा दंदा छका छका दंदा दंदा छका छका दंदा दंदा छका छका दंदा दम 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 गुरदम। बस भी कर, हुण किते टोया कढ़ा के मुड़ेगा। बट साहब मुझे ये बताएं कि अगर क्रिकेटर वजीर आजम बन सकता है तो क्या पहलवान वजीर आजम नहीं बन सकता? मैं समझता हूँ जी कि एक पहलवान दुनिया के तमाम काम कर सकते हैं। अगर पहलवान वजीर आजम बन जाए ना, फिर पुल नहीं सारे अखाड़े बनेंगे फिर। और कितना मजा आएगा, वजीर आजम तकरीर में कहेगा पूरी कौम नु अखाड़े लाओ। खबर लगी होएगी अरकाने असेंबली, आज असेंबली नहीं आए क्योंकि सबके लंगोट गुआ चुके थे। किसी ने आके कहना जी अपोजिशन बहुत रौला पा रही है, तो वजीर आजम कहना इन्होंने पुठी मारो। ए किन्ना मजा आवे भट्ट जी, खबर सुनाने वाली कह रही हो वजीर आजम इनाम भट्ट कौम से खिताब करेंगे, पहले ओदे तो खाड़े च सुहागा फेरनगे। और तकरीर शुरू करते सबसे पहले यही जुमला बोलेंगे, मेरे हम पहलवानों और पठो। मेरी एक बात याद रखना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और जो भी उन लोग जो भी मेरे पठे सारे आ जाओ, ये अखाड़ा तुम्हारे लिए है, इस अखाड़े को तुमने नया अखाड़ा बनाना है। वाह वाह वाह, अखाड़े में मिट्टी आ नहीं रही, आ गई है।
फिर तो ये भी कहेगा पहलवान अभी तक जिंदा है। बच्ची, हाँ जी, 5-7 अच्छे से डायरेक्टर ढूंढ कर हम पर भी फिल्म बनाई जाए। अच्छा, दिया और पहलवान, इसका तो टाइटल सॉन्ग भी हमने बना लिया है। अरे वाह, सुनाए। पहलवानों से ये मत पूछो, पहलवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है महंगाई के इस तूफान में, इंसानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है पहलवानों से ये मत पूछो। पीएम जो बनाया खादम को साजिश कप्तान समझ बैठा, साजिश कप्तान समझ बैठा, वो बाहर बैठा क्या जाने, ईमानों पे क्या गुजरी है पहलवानों से ये मत पूछो, पहलवानों पे क्या गुजरी है। बस बस मेरा भाषा चुप कर, दो तीन डंबल तो मैं भी चुक ले। झूठा। वेलकम बैक टू द ब्रेक, खवातीनों हजरात, आप देख रहे हैं सुपर बट साहब मुझे बताएं, देखिए कोबरा पहलवान, पहलवान चिट्टा पहलवान, अद्धा पहलवान, फिक्का पहलवान, तो खैर जो भी, आपने इस तरह की वैरायटी कभी देखी पहलवानों की? देखें जी, अपनी फील्ड के ये बहुत बड़े पहलवान हैं, लेकिन इन तमाम वैरायटीज को मैंने एक दफा जू में जरूर देखा था। जब आप गा रहे थे जू, जू, जू। अच्छा मुझे बताएं, क्रिकेट की दुनिया में हर बंदा सुपरस्टार है, बड़े से बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल्स हमारी पहलवानी की दुनिया में डंडी मार देती हैं, ये क्या साइंस है? जी बिल्कुल, हॉकी है, जूडो है, उसके अलावा बेशुमार स्विमिंग है, बड़े बड़े अच्छे पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं, अर्शद नदीम जैसे माशाल्लाह सितारे हैं, वसीम बॉक्सर जैसे हमारे पास खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को इन बाकी गेम्स पर भी सपोर्ट करनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी मल्टीनेशनल्स और एडवर्टाइजमेंट इंटेलिजेंसिया को ये जरूर सोचना चाहिए, क्रिकेटर्स के सिवा हमारे पास और भी खिलाड़ी हैं, और भी हीरोज हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, उनको भी हीरोज बनाएं, उनको भी आइकॉन्स बनाएं। देखा ना, जो पता ही नहीं चल रहा है आजकल कि किसको कमर्शियल में लेना किसको नहीं लेना, अनवर मकसूद साहब दूध के एड में आ रहे हैं, अब उनको देख के तो कोई बच्चा दूध नहीं पिएगा, नहीं मम्मी बाल सफेद हो जाएंगे। नंबर मिल जाएगा, नंबर का क्या करना है? मैं 20 रुपए का इजी लोड कराना है, खुदा ना खास्ता मैं कोई मांगने नहीं आया, आप ये ना समझना कि कोई मैं मांगने आया हूँ, पिछली दफ़ा भी आपने हमारी मदद की थी 10 रुपए का इजी लोड कराया था, एक दफ़ा करा दें, पूरा खानदान मेहनत करके आपका ये इजी लोड उतार देगा। ओ बट जी, तुम सही रोना रोन रहे हो, यह जड़िया मल्टीनेशनल कंपनियां ने, देखो तुम डिटर्जेंट के इश्तहार दे विच वसीम अकरम पाता है, भी बंदा पूछे हो कि बड़े वधिया कपड़े धोंदा वाला अहमद लाला बैठा जी, वाला ना मतलब सही वाला कुल रोंग वाला कमर्शियल है, वाला टायर की मशहूरी है तो पाई विच कुड़ी है। मैं उन्हें मना भी किया, मैं कहा टायर है, कहती खैर है। बताओ चाय वाले को बना दिया स्टार है, पहलवान ऐसे रुल रहे हैं, और छोड़ो वो चाय वाला तो फिर भी मेहनत करता है जी, वो देखो वो लड़की, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, यहाँ पार्टी हो रही है, उसने कौन सा तीर मारा है। मैं तो ये कहूँ कि अगर आपको कहानी सुनानी आती हो और फिल्म बनानी आती हो तो हमारे पहलवानों से बड़ी फिल्म आप कहीं और बना ही नहीं सकते। आप देखें कि दंगल जैसी फिल्म और सुल्तान जैसी फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया है पूरी दुनिया में, और उन्होंने तो एक एक दो दो मेडल्स हासिल किए थे, लेकिन हमारे पास पहलवानों ने तो 15-20 मेडल्स हासिल किए हुए हैं, तो हम इन पर क्यों नहीं फिल्म बनाते? वाला सही है लोग गुफ्तो शनीदा, वाला अहमद अल बैठा, वाला कंटेंट अल मजबूत है, वाला कहानी अल पहलवान है, पहलवान की जिंदगी तो जो जी फिल्म बनेगी ऐसा तो कंटेंट किधर आ ही नहीं सकता। मैं कहना बट जी, इतने फिल्म बनाओ, मैनू हीरो लवो,
फिल्म का नाम है पहलवानी फिर नहीं आनी। भट साहब आपने तो बाहर के मुल्क जाके बीच के ऊपर भी रेसलिंग की है और मेडल जीत के आए हैं, तो उत्थे दी गुरबत वेख के तुसी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? 5 दफा जो वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल मैंने विन किए हैं वो 5ों मैंने बीच पर किए हैं, तो लोग अपनी गुरबत में मसरूफ होते हैं, मैं अपने मेडल जीतने में मसरूफ होता हूँ। अगर आप बीच के बजाय साइड पे हो जाते साइड पे हो जाते फिर मेडल भी साइड पे हो जाने थे। बैरून मुल्क में बहुत सी टॉप की एक्ट्रेसेस जो हैं वो पहले मॉडल होती थी, सुष्मिता हो गई, ऐश्वर्या हो गई, यहाँ तक कि प्रियंका भी। आपका कोई इरादा है एक्टिंग की तरफ जाने का? इस तरह है कि अभी तो मैं मॉडलिंग में करियर को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, तो आफ्टर दिस इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। अगर आपको कभी किसी पहलवानी के ऊपर फिल्म मिल जाए किसको हीरो लेना चाहेंगी? मैं इनाम भट्ट साहब को। पसंद भी किया तो पहलवानी तो हल्का सा मुंह इधर मोड़ लेती, साथ में हीरो भी मैं लग रहा हूँ हल्का सा, दोपहर में बहुत लगता हूँ 12 बजे के बाद, जब पसीना निकल लो ना इधर से फिर आप देखें कितना नूर आता मेरे मुंह पे। ओए झूठ ना बोलो, सुबह से मैं तुम्हारे पास इधर बैठा हूँ, पहलवान तुम किसी एंगल से नहीं लगते, मुझे लगता है मैं दी मम्मी के साथ बैठा हूँ। बेटे अगर उसने उल्टी सांस ली ना तो मैदे में टहल रहा होगा उसके। वैसे बट जी मैं तुहानू एक गल दसा जी, ये जेड़ी कुड़ी है ना काको इकरा, इन्हें बड़ा फपना जे इनाम भट्ट दे नाल फिल्म च, सलमान खान ना किड्डी प्यारी लगी अनुष्का, आय हाय जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। जी जरा बेसमेंट पे कंट्रोल करें। आपने इतने पट्टे तैयार किए, उनमें से कोई पट्टा है जो आज मुकाबला करके दिखाए? ये अजीब आदमी है मेरा खलीफा, ये पता है क्या, दिन में अखाड़े में डाल देता है मुझे, रात को भैंसों के आगे डाल देता है। क्यों? पट्टा समझ के। असल च मेरा कसूर नहीं मेरे सेक्टर पुत्र, मैं मजा अंगे तेन तां सुट दा कि जदों पट्टे खा खा उन्हां दा मेदा भर जाए ते लून समझ के इनू चट लैण। शेख पुत्र तेनू पता है मेरा केड़ा पट्टा है? जिहड़ा तेरा रात नू चढ़ जांदा। बट जी खलीफा जी ने मुझे बड़ा तैयार किया था। किसके लिए? मैं मतलब ओलंपिक के लिए। बस एक दिन फ्लाइट से एक दिन पहले जो है ना मुझे चोरी के केस में अंदर कर दिया, कह रही है जहाज का पहिया इसी ने चोरी किया। उसी तो जब मैं एयरपोर्ट जाने लगा ना तो रास्ते में नाका लगा हुआ था, फिर उन्होंने उठा के मुझे जेल के अंदर डाल दिया। क्यों? वो कहने लगा तेरे पे भत्ता गोरी का पर्चा है। बकवास है, इन्नी जेल ते नेल्सन मंडेला ने नहीं कटी। हम कोई बाबूली पहलवान नहीं है बट जी, हम पे तो फिल्म भी बन रही है पहलवानी नदानी, मेरा पहलवान लौट के आया, मेरा पहलवान उस पार है, ये फिल्मों के नाम है मेरे। बट जी ये ते की फिल्मा बननी है, फिल्म ते बनी है खलीफे होना ते, बात पहुंची तेरी पहलवानी तक। हाय हाय क्या फिल्म बनी थी पहलवान के ऊपर, छठ पहलवान दी जा रही। आप समझ रहे कोई मामूली पहलवान है? अच्छा ओए 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 बड़ा ग्रेड पहलवान है, सील कुकड़ हराए इसने 6-7, उसका भी परसों चूहे से मुकाबला हुआ है 2.5 दिन तक, चूहा हारा उसने अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया उसको। कौन टैना साहब जी, मुझे बताएं कि क्या आप अपने ये उस्ताद को दाव लगा सकते हैं? मैं लता ना बढ़ दिया खलीफे होना ना ले करे हाँ पहलवानी दी को गल। भट साहब अगर आप इजाजत दें तो इन दोनों के मैच के रेफरी बन सकते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा आज। चले जी डाका बजा जी। मैं लड़ना ही है, चूचा डकना खुडे। राउंड वन फाइट। मैं पुत्र तेरे उत्ते 1/2 किलो मिट्टी पानी, तेरे को उठाया नहीं जाना मैं तेरे पास। फाइट कर आया। आ प्यो दा ते तर किधर गया वो? पुत्र टेक्निकल नॉकआउट करन लगा सा, बच गया मैं। आया आ प्यो दा ते आया आ 1 2 मैं तेरी मैं बुढ़े पहलवान नु ललका रहा है आ प्यो दें 1 2 बस मेरा पुत्र। ये ला 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 खबीस ला इंसान है। क्यों है? नैपी नहीं पाई मॉडल के सामने इंसल्ट कर दी। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खबर 3 उस रात आप देख रहे हैं सुपर
अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कब कहां कैसे। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं और पूछते हैं कब कहां कैसे। आइए। वाह 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 जी, जारा पहलवान, पहलवानी का रोमांस। अनफॉर्चुनेटली इनकी लंबी उम्र नहीं थी लेकिन इनकी फाइट्स हमेशा के लिए यादगार रही हैं। जारा पहलवान जी बहुत बड़े लेजेंड हुए हैं और उनकी जो अनोखी पहलवान के साथ कुश्ती है वो सारी जिंदगी सारी सदियों याद रहेगी। वाह वाह वाह। अच्छा मुझे बताएं उनकी अनोखी साहब से पर्सनली कोई दुश्मनी तो नहीं थी? उससे पहले थोड़ा सा कुछ इश्यू था कि वो उनके चचा के साथ कुश्ती हुई थी तो उनको चोट लग गई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि हम जारा पहलवान जी को खिलाएं, इनके साथ खिलाएंगे नोकी पहलवान के साथ। और फिर जब उनके साथ कुश्ती हुई तो फिर नोकी पहलवान को उन्होंने चारों शाने चीत किया और नोकी पहलवान ने खुद आकर अपनी हार तस्लीम की और जारा पहलवान जी का हाथ बुलंद किया। तस्वीर की तरफ बढ़ते पहलवान खवातीनों हजरात, द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर जो अभी आप देख रहे हैं वो गामा पहलवान साहब की है। 18वीं और 19वीं सदी के अजीम पहलवान गामा पहलवान जी वो अजीम पहलवान हुए हैं जिन्हें ब्रूस ली जैसा खिलाड़ी भी अपना आइडियल तसव्वुर करता था। और गामा पहलवान जी सारी जिंदगी कोई मुकाबला नहीं हारे, जितनी देर भी पहलवानी की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जीत से नवाजा। अच्छा जी, गामा पहलवान साहब के ख़ानदान का लिंक नवाज शरीफ साहब से भी है? गामा पहलवान जी का नवाज शरीफ साहब से तो डायरेक्ट कोई तल्लक नहीं था लेकिन जो उनकी अहलियाँ हैं कुलसूम नवाज साहिबा वो इसी ख़ानदान से बिलोंग करती हैं। तमस्तुरात है वाला नाम अल तल्लकदारी है वाला झूठ अल बैत है नाम अल तल्लक अल मनी लॉन्ड्रिंग है वाला नाम अल तल्लक अल एस्टेब्लिशमेंट है। उसको आप एस्टेब्लिशमेंट की क्यों बात बता रहे हो कि नजम सेठी है? यार मैं कितनी देर हो गई सी गाली नहीं की थी। अच्छा पागल हो गया बट जी एस्टेब्लिशमेंट का हूँ किसी नाल तल्लक नहीं जे वो न्यूट्रल हो गए ने। न्यूट्रल गेयर के अंदर ना गड्डी हमेशा पीछे ही जाती है तो जा रही है ना। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आहा दी आइकॉनिक गूंगा पहलवान फ्रॉम सियालकोट, वन ऑफ दी मोस्ट आइकॉनिक रेसलर्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान जी। गूंगा पहलवान, इन्होंने हमेशा चुपचाप मारा है, बोलने नहीं दिया। तो तानू भी एक दो बारी मारे उन्होंने? नहीं नहीं, ये कमजोर है, गालां गूलां कट के निकल गए। इन्हू तो पता नहीं उन्हें मारिया कि नहीं लेकिन गूंगे पहलवान रहीम पहलवान सुल्तानी वाले ने एक इलाके चपेड़ मारी सी तो दसते रहे ने सारी जिंदगी कि अज तिकर मैनू उदा सेक महसूस होंदा है। और तुसी देखो इन्हू चपेड़ भी नहीं मारी रहीम पहलवान ने और सेक मैनू हले तक महसूस हो रहा। ईफा जी मेरी भी कुश्ती कराओ किसी नाल, मेरे पिंडे च सुइयां चुभ रहीयां ने। पुत्र है पहलवानी नहीं तेरे तक कहे ने काला इलम कीता है। पर जी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट हूँ और मेरा हीरो पहलवान हो। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। बट साहब मुझे बताएं ये पोज शाहरुख खान ने आपसे तो नहीं लिया? नहीं जी, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेरा मुकाबला था और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के पहलवान को जब फाइनल में हराया था तो उसके बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्वीर उस वक्त की है। क्या बात है, क्या बात है। शाहरुख दा गाने वाला होता है, इन्हां दा हराने वाला। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। वाह वाह वाह, साहब का गवर्नर पहलवान। नहीं शेखा, सर्वर पहलवान टिकट वाला। नहीं नहीं, एक जगह पे नहीं टिकने वाला पहलवान। ये सर्वर साहब से आपकी कब मुलाकात हुई थी? ये जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में सदारती अवार्ड जो है वो मिला था और वो गवर्नर साहब ने मुझे पहनाया था। नाम भट्ट साहब का अवार्ड दिखा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उनको सदारती अवार्ड मिला, वेरी गुड। मेरे भी अवार्ड दिखाओ, ये जो इतने पड़े हुए हैं। ये तो तेरी सास ने पाए ना। मुझे बताइए आजकल तो हर कोई फिल्टर लगा के खूबसूरत बन रहा है, मॉडल के लिए खूबसूरती अंदर से आती है या फिल्टर से? नहीं, फिल्टर से तो हर कोई खूबसूरत ऑब्वियसली हो सकता है, अंदर से खूबसूरत होना जरूरी है। फिल्टर से मैं लाया ही पुत्र, महल च पूरा महला उतो पानी भरता हूं। फिल्टर मुंह इकरा, अपने बारे में आपका क्या ख्याल है, आप खूबसूरत हैं या फिल्टर खूबसूरत हैं? I do use filters, मैं फिल्टर यूज़ करती हूँ लेकिन मैं प्यारी भी हूँ। इकरा
बाखुदा आपके बेमिसल हुस्न के नाम नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जुमन। सीधा सीधा बोल, फर्जंदे अंजुमन का बेटा। शट अप, हद ए अदब। तेरा ना मुझसे तू प्यार बड़ा, के मैं एक पागल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, के मैं एक पागल आवारा। इतना ना खुद को इंट्रोड्यूस करा के अब्बा तेरा तेरे तो मैं आवारा। बादशाह तू शक्लों लगना है, दुनिया दा वाहद विचारा। जमीला नाने मैच कर दी है मेले में ये फाइल भी अटैच, ड्रॉप कर देंगा जे छटे या तू कैच, भूल जाओ दुनिया दे सारे जंजाल, टाइम टू एंजॉय फैमिली दे नाल। मूनवॉक कर कर कस गईया जुतियां, वड़े वड़े मसले छोटी छोटी खुशियां, बार बार इको ही कहानी कानू छेड़िए, एवें असी पानी च मदानी कानू फेरिए, मूड बना के जरा पैट शैट कस ले, थोड़ा सा सुगल होगा थोड़ा सा स्वैग, जलते हैं वो उन्हें कर लेना टैग, कर लेना टैग, कर लेना टैग, सीधे है सवाल तो जवाब zigzag, वास्ता ही रब दे तू करी ना डरे, गलती को स्माइल से तू कर लेना कवर, दुनिया है प्लेग्राउंड लाइफ सुपर ओवर, तुम जितनी भी करो कॉमेडी मैं रहूंगी सोबर, क्योंकि दुनिया है